अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स, मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर 1। आज हम पढ़ेंगे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर रिप्रेजेंटेड बाई एन। वो तमाम नंबर जो एक से शुरू होते हैं और हम इनको इनका से हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर रे एज अ गिवन बिलो। हम इसको लाइन में भी इस तरह पेश कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9। सम फैक्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो इज अ नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, वो वन से शुरू होते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा डिजिट वन का होता है। देर इज नो लास्ट और ग्रेटर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कोई लास्ट नंबर नहीं है, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। नेचुरल नंबर नेवर कम्स इन। नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होते। अब आते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स। द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ द नंबर जीरो जीरो फ्रॉम द होल नंबर। द होल नंबर रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू। अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर नेचुरल नंबर को हम जीरो नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो ऐड कर दें तो फिर ये हमारे नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर हो जाता है और हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसको हम लाइन में इस तरह शो कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टिल कंटिन्यू। सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट द होल नंबर। होल नंबर के कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द होल नंबर। जीरो सबसे छोटा नंबर है होल नंबर में। देर इज नो लास्ट एंड ग्रेटर होल नंबर। होल नंबर में कोई लास्ट नंबर नहीं है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे 1 2 3 10 20 100 200 1000 10000 लाख 10 लाख लाख मिलियन उसके बाद बिलियन उसके बाद ट्रिलियन ट्रिलियन कंटिन्यू चलते रहते हैं। वो कभी होल नंबर नेवर कम एंड्स। वो कभी उनका कभी एंड नहीं आता, खत्म नहीं आता। नेचुरल नंबर आर प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सबसेट भी होता है। वो किस तरह? अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, हम इसको ले लें नेचुरल नंबर की, तो इसमें सेट एन है। इसमें एन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू में है। तो इसको सबसेट इस तरह कहलाएगा कि नेचुरल नंबर के तमाम नंबर मौजूद हैं होल नंबर में, इसलिए वो इसका होल सेट का सबसेट भी कहलाएगा। सिंबल। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एक सिंबल्स क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें सिंपल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। ग्रेटर देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन और लेस देन, या इक्वल एंड ग्रेटर, या इक्वल और लेस। तो आगे चल के इसको हम कुछ और आगे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ले लें लेस देन 6, वी कैन राइट एज 4 लेस देन 6। इसको हम 4 लेस देन 6 वी कैन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। 4, ये सिंपल आएगा लेस देन का, लेस देन 6। अब इसमें तीन चार तीन सिंबल हमने यूज करने हैं। ये नब सिंबल आएगा लेस देन का, ये ग्रेटर देन का, ये इक्वल एंड लेस देन, ये ग्रेटर एंड लेस देन। ये मतलब से कम, ये मतलब से ज्यादा, ज्यादा बराबर या कम, बराबर या ज्यादा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल और लेस देन 9। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 9 भी हो सकता है। ए इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 9 भी हो सकता है। बी इक्वल और ग्रेटर देन 12। बी इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल नहीं बी इक्वल और ग्रेटर, इसमें ये सिंबल आएगा 12। बी बी 12 से
या तो इक्वल है या इसके ग्रेटर है. फॉर एग्जांपल होल नंबर लेस देन सिक्स. एक और मिसाल इसमें ये है कि होल नंबर लेस देन सिक्स, तो इसको हम होल नंबर की जगह पे लिखेंगे डब्ल्यू लेस देन के बोल लेस देन का सिंगल देन सिक्स. नेक्स्ट चलते हैं. एक और एग्जांपल है, राइट नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल देन लेस लेस और इक्वल देन सेवन. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग लिखेंगे, नेचुरल नंबर को हम लोग लिखेंगे दायर कर एंड से लीजिए लेस देन और इक्वल सेवन. इसको हम जो इस तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कम या उसके बराबर. जब होल नंबर को हम लोग इस तरह लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मिसाल तौर पे ये सबसे छोटा होल नंबर है 0. अगर हम इंटीजर में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये और ज़्यादा छोटे होते जाएंगे. लेकिन अब अभी फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XYZ, सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन बाय लाइंस. ये सबसे सिंपल कॉस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट से बच्चों को सिखाने के लिए कि हम लाइन के थ्रू सबट्रैक्ट या एडिशन किस तरह कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये नंबर दिए हुए हमने, इसमें क्वेश्चन आए 7 + 5, हमने 7 को ऐड करना है 5 में, तो कितना बनेगा. तो हम पहले ये एक यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 हो गया. इसमें हमने फिर कैलकुलेट करना ऐड करना है 7. यहाँ लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5, सी लाइन यहाँ लगेगी, ये हो गया 5 + हमने इसमें 7 कर दें, देन 1 2 3 4 5 6 7, 14 तक 7 आएगा, सॉरी 12 तक 4 आएगा. यहाँ पे 7 नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 7. तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 12. अगर हम इसको डार्क लाइन लगाए तो ये 1 से लेके 12 तक चली जाएगी. 7 + = 12, 12. इस तरह हम बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए भी एडिशन कर सकते हैं. अभी इसके एक्सरसाइज है 2.1 की, तो हम आज ये एक्सरसाइज देखेंगे. जो उसमें पहला क्वेश्चन है, राइट ए मैथमेटिकल फॉर्म, बल्कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, तो हम इसे लिखेंगे 4 इज लेस देन का सिंपल मार्क है 5, 98 इज लेस देन 99, 98 सिंपल मारेंगे लेस देन का, देन 99. नेचर नंबर ग्रेटर देन 11, नेचर नंबर एन नेचर नंबर एन फॉर नेचर नंबर ग्रेटर देन 11, कुछ भी हो सकते हैं. होल नंबर ग्रेटर देन, अब इसकी बात करें तो होल नंबर ग्रेटर देन 23, डब्ल्यू मीन होल नंबर ग्रेटर देन का सिंबल आएगा देन 23. नेक्स्ट चलें, होल नंबर लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 7, होल नंबर लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 10 बट ग्रेटर देन 7. नेक्स्ट आएगा, होल नंबर लेस देन 48 बट ग्रेटर देन 41, होल नंबर लेस देन 48 बट ग्रेटर का सिंबल 41. नेक्स्ट हम चले होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6. इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 63.
होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 बट लेस देन 20। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, होल नंबर इक्वल ग्रेटर और इक्वल देन इक्वल और ग्रेटर देन 13 बट लेस देन 20, लेस का सिंबल देन 20। होल नंबर ग्रेटर देन 21 बस लेस देन 26। इसको हम यहाँ पर लिखे चाहे लिखना चाहे तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी जगह नहीं, इसको यहीं पे लिखते हैं। होल नंबर ग्रेटर देन 21 बट लेस देन 26, बट लेस देन 26। ये हमारी पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अभी दूसरा है, फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स, किन नंबर को फाइंड आउट करें। यहाँ पे क्या था, हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था और यहाँ पे हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना था। सब चलते पहले की तरफ, पहला क्या लिखेंगे, होल नंबर लेस देन 11, तो होल नंबर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, वो 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नेचुरल नंबर लेस देन 11, इसको अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर तो जगह ज़्यादा चाहिए इसके लिए, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा इसको डिलीट करके हम लोग जगह बचाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट वेट करें प्लीज। चलो हमें अच्छी खासी जगह मिल गई है, हम फिर दोबारा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे जो सिंबल लिखा हुआ है ना W, इसको गौर से देखो तो W होल नंबर लेस देन और इक्वल, ये यहाँ पे ये सिंबल यूज किया है, लेकिन आप इसकी जगह पे ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये दोनों एक ही सिंबल है, लेकिन कई किताबों में ये सिंबल को लिखा जाता है। तो आप इसको ये काउंट कर, लेस देन और इक्वल टू 10, ओ इक्वल टू 8, तो W इज इक्वल टू होल नंबर्स हैं तो 0 स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भी लिखेंगे क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि इक्वल और लेस देन, तो 8 के बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए हमने 8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है नेचुरल नंबर लेस देन 20 बट ग्रेटर देन 26, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे। ये 4 नंबर पॉइंट में नेचुरल नंबर लिखें, एन लिखें, कर्ली ब्रैकेट का लेस नंबर लेस देन ग्रेटर देन 20 से, 20 से ग्रेटर कौन आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, देन 25 आएगा, बट लेस देन 26, तो 26 नहीं आएगा, ये 25 तक ही आएगा। अब ये नेक्स्ट है पांचवा सवाल, होल नंबर लेस देन 59 बट इक्वल और ग्रेटर देन, एक और सिंबल यहाँ पे आपको न्यू मिलेगा, सिंबल को आप देखें जो इस शेप में है, लेकिन इसको आप वही काउंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, ये वही सिंबल है, ग्रेटर और इक्वल देन यहाँ पे इस तरह यूज किया गया। तो नेक्स्ट जो किताब बुक्स आएंगी वो इसमें इसी तरह ही आपको फ्यूचर में इस तरह पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसी पे ही फोकस रखें तो बेहतर है। चलो इसको कॉल करते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर कर्ली ब्रैकेट लेस देन 59 बट इक्वल और ग्रेटर देन 51, तो हम शुरू करेंगे, इक्वल है तो 51 को भी काउंट करेंगे, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58 पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि उसने सवाल में कहा था लेस देन 59, 58 पे इसको स्टॉप करके ये कर्ली ब्रेकेट यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड नंबर लेस इक्वल और लेस देन 38 बट इक्वल और ग्रेटर देन 32। तो शुरू करते हैं, वर्ल्ड नंबर लेस देन और इक्वल, पहले हम लेस देन और इक्वल से शुरू करेंगे, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 32। तो हम ग्रेटर और इक्वल तो इसमें 32 भी शामिल करेंगे, क्योंकि इसने ग्रेटर और इक्वल दोनों बोला है। तो 32 हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35, सॉरी 35, 36, देन 37, देन 38 भी इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हुआ है लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल, तो ही अगर इक्वल है तो हमने इसमें 38 को भी ऐड करने का है। तो ये हमारा मसला, ये हमारा सवाल यहाँ तक पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। वर्ल्ड नंबर से शुरू करेंगे और ग्रेटर की तरफ चले जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू करके हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा वर्ल्ड नंबर, वर्ल्ड नंबर इक्वल और ग्रेटर टू 75 बट इक्वल और लेस देन 77। इसमें आएगा 75, 76 एंड 77, तीन उसमें आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड नंबर लेस देन 27, वर्ल्ड नंबर लेस देन 27, डब्ल्यू वन लेस देन 27 नंबर, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल कंटिन्यू 27 तक जाके इसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट आएगा होल नंबर लेस देन 69 बट ग्रेटर देन 61, होल नंबर ग्रेटर देन 61 मतलब 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। यहाँ पे लिखा है लेस देन 69, 69 से कम, तो 68 पे हम इसको क्लोज करेंगे कर्ली ब्रेकर डाल के। नेक्स्ट होल नंबर ग्रेटर इक्वल 16 बट लेस देन इक्वल और लेस देन 19, होल नंबर ग्रेटर और इक्वल, तो इक्वल में हम 16 को काउंट करेंगे, 17, 18 एंड 19, 19 लिख के हम इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट आएगा होल नंबर लेस देन 109 बट ग्रेटर देन 109 बट लेस देन 113, होल नंबर्स इज इक्वल टू ग्रेट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ग्रेटर देन 109 टू 1010 आएगा, 1111 आएगा, 1111 आएगा, 112 आएगा, बट लेस देन 113 है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा शो फॉलोइंग नंबर इन द लाइन नंबर, नेक्स्ट हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, शो द फॉलोइंग नंबर इन द लाइन नंबर, इसका पार्ट 1 है, 7, 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8। तो हम सबसे पहले लाइन लगाएंगे, इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शो नंबर तो हम 5 को शो करने के लिए यहाँ टिक मार्क राउंड मारेंगे, 6 को शो करने के लिए यहाँ राउंड मारेंगे, 7 को शो करने के लिए यहाँ राउंड मारेंगे, और 8 को शो करने के लिए यहाँ राउंड मारेंगे। तो एक ऐसा लाइन बना के हमने ये सारे डिजिट लिखने हैं, इनके ऊपर ऐसा राउंड मार के हमने इनको शो करने का है। नेक्स्ट हमारा आएगा, लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे, नेचुरल नंबर लेस देन 19, इसी के विषय में आपने इसी तरह लाइन लगा दी है। सेम लाइन लगा दी है, 0,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये लाइन आगे कंटिन्यू करते जाए ना, सॉरी आगे कंटिन्यू करते जाए 9 10, इसलिए उसको थोड़ा इरेज करके दोबारा बना सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए। नाइन स्क्वायर, नाइन कंप्लीट लाइन बनाया। सीधी लाइन बनाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हाँ यार भाई, दस ग्यारह बारह। लेसर नंबर लेस देन 19, तो लेसर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 9 से कम, तो 8 ये डाल है। इस तरह स्किप लाइन लगा के इसको सी लाइन लगा दी। लेसर नंबर लेस देन 9, एक सवाल आता है होल नंबर लेस देन 15, ग्रेटर लेस देन 15 पर ग्रेटर देन 11, ये सिंपल एक लाइन लगा इसी तरह। तो ये लाइन लगाई थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 10 15। इस लाइन को आगे कंटिन्यू करते रहे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 11, लेस देन 15 ग्रेटर देन 11 लेस देन 15, तो 15 से कम हो, ग्रेटर देन 11, तो हम लोग 14 और 13 के बीच में लाइन लगेगी। तो ये लाइन अगर उसको देखे तो हमारी लाइन इस तरह लगेगी 14 12 क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इस लाइन को दोबारा लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सॉरी आपको छोड़ चला, आप इस लाइन को अजीम कर लिया, खाली डिजिटल शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 1 8 9 10 11 12 13 14 15, हम पूछ रहे कि लेस ना होल नंबर तो ग्रेटर देन 11 और लेस देन 15, तो लेस देन 15 आएगा 14 और ग्रेटर देन 11 12, मतलब ये 12 और 13 के बीच में आएगा, इसमें से हम स्ट्रेस को लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा होल नंबर ग्रेटर देन 10 बट इक्वल और लेस देन 15, इक्वल लेस देन 15, तो उसी लाइन को यूज करते हुए चाहे इसको मैं लिखना चाहे दूसरा लिख सकते हैं। लेस देन 10 सॉरी ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा, तो ये लाइन 11 के ऊपर लगाएं और इक्वल टू 14 और लेस देन 14, ये लाइन 14 पे लगाएं, तो ये हमारा लाइन बना दे, तो हमारा ये क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, बोलते हैं नंबर्स का सम फाइंड आउट करें नंबर लाइन पे, तो हम लिखे इसको इसको एक लाइन काउंट करें 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारी लाइन बन गई। तो हमने इसमें 8 क्या करना है, 2 एंड 6, तो 2 1 एंड 2 प्लस इसमें 6 ऐड करने पड़ने, 6 ऐड करने ना 1 2 3 4 5 6, ये लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा सम बन जाएगा 8। नेक्स्ट अगर इसी नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें, तो वो पूछता है 8 एंड 4, 4 एंड 8 को हमने ऐड करना है आपस में, तो इसको हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर, फोर ये एक लाइन यहाँ लगाएं, ये हो गया 4,
बाद एट दूसरी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 12 पे 8 आएगा, दूसरी लाइन यहाँ लगा है, ये हो गया 8, इसको काउंट करें तो ये 8 हो जाएंगे और इसको काउंट करेगा तो ये 4 हो जाएंगे, दोनों का हम लोग अगर सम निकालें तो हमारी लाइन 12 पे चली जाएगी, तो दोनों का सम वाई कट जाएगा। इरेज करके दोबारा चलते हैं इसी लाइन में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेवन एंड फाइव एंड सेवन ठीक है, कंटिन्यू करें इसी लाइन पे, इसको कंटिन्यू करें यहाँ तक काम से शुरू करें 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 आ गया, इसमें हमने ऐड करना है 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये 4 ये 7, दोनों का सम आएगा 12। इसको भी आप लोग करें, इन दोनों की प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द नेक्स्ट एंड प्रीवियस नंबर ऑफ द फॉलोइंग, तो चलें इसके दो कॉलम बनाएं, ये प्रीवियस नंबर्स का देन नेक्स्ट कॉलम बनाएं नेक्स्ट नंबर का, ये 45 है, 45 का प्रीवियस नंबर 45 में आने के प्रीवियस नंबर इसका आएगा 43, नेक्स्ट नंबर आएगा 46। नेक्स्ट चलते हैं 61 पे, 61 का प्रीवियस नंबर आएगा 60, क्योंकि इसने यहाँ पर होल नंबर पूछे तो 60 आएगा होल नंबर में, ये 60 आएगा और नेक्स्ट नंबर इसका 62 आएगा। बाद चलते हैं 99 की तरफ, 99 का प्रीवियस नंबर आएगा 98 आएगा, नेक्स्ट नंबर इसका 100 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट है 786, 786 इसका प्रीवियस नंबर आएगा 785, नेक्स्ट नंबर आएगा 787। नेक्स्ट में चलते हैं 991, 991 प्रीवियस नंबर आएगा 990, नेक्स्ट नंबर आएगा 992। चलो बच्चों आज तक इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह।